बॉबी जी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, बड़ा तो नहीं छोटा है लेकिन हमारे एक्टर की तरफ से बड़ा सरप्राइज है। दो दाम का ले आओ हेलो। तो यार वेलकम हो गया आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और भाई आज के ब्लॉग में हमें क्या करना है? मतलब हेयर कटिंग तो करवानी है, खैर शाम को जाना है मुझे एक शादी में और शादी से पहले एक मीटिंग है तो उसके लिए थोड़ा अच्छा दिखना तो बनता है। दाढ़ी बड़ी हो गई है, बाल बड़े हो गए हैं, तो चलो सबसे पहले चलते हैं हेयर कटिंग कराने के लिए। लेकिन उससे पहले भी हमें हमारी एक्सयूवी वॉश करवानी है, क्योंकि आपने देखा हुआ दो चार दिन पहले मैं गया था पूर्णागिरी पहाड़ों पर तो गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, तो आज इसको वॉश करवाना है, बढ़िया करवाना है। तो एलेक्स चलाओ। हाँ चला, हम अपनी गाड़ी वॉश करवाने जा रहे हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया चाहिए, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। गाड़ी तो चलाया, फिर हम ऊपर देखेंगे डायरेक्ट। क्या कहना चाह रहे हो? व्लॉग बना रहे हो? व्लॉग बना रहे हैं। हाँ तो यार अभी हम लोग आ गए हैं बार्बर की शॉप पे, पहले बाल कटाते हैं उसके बाद चलते हैं अपनी कार वॉश करने के लिए। पीछे बार्बर की शॉप है, चलते हैं बाल कटा के आते हैं। चलो चलो भाई, हेयर कटिंग तो हो गई है, आप लोगों ने देख ली होगी, कैसी लग रही है? मेरी मत मेरी कैसी लग रही है? चलो फिलहाल हेयर कटिंग हो गई है, अभी चलते हैं अपनी कार को वॉश करवा के आते हैं। सर अभी हम लोग आ गए हैं वॉशिंग सेंटर में और अपनी कार हमने वॉशिंग के लिए लगा दी है, यहाँ पे हो गई हमारी अभी कार वॉश। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पर अपनी कार वॉश करवाए रहे थे, उतने में हमसे कौन मिलने आया? देखो भाई खुद देख लो, इधर आ जाओ भाई। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। कहाँ यहाँ कहाँ जा रहे थे? हम अभी खड़ीमा जा रहे थे, थोड़ा बैनर वैनर गाइस, सब मेले में पकौड़ी की दुकान रख रहे हैं तो आप भी जरूर खाने आना अगर। ठीक है भाई, और आप लोग तो आने हैं ना, मैं भी जाऊंगा। ठीक है चलो भाई की नई बाइक की टेस्ट राइड मारते हैं। ठीक है सर, अभी भाई की गाड़ी का हमने टेस्ट राइड ले ली और मजा आ गया भाई, मस्त गाड़ी ली है एकदम एकदम कतई टकाटक एकदम। चलो भाई गाड़ी वॉश हो गई है, अभी हमें जाना पड़ेगा घर, तो ठीक है मिलते हैं मेले मेले में मिलते हैं। ठीक है मेले में मिलते हैं, एकदम कतई टकाटक खाते हुए और बेचते हुए। चलो ओके भाई विकास भाई, ठीक है चलो मिलते हैं। चलो भाई पहुंच गए हम लोग अभी अपने घर, अभी जाते हैं सबसे पहले नहा के आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम है आज का। ठीक है तो चलो भाई नहा के मैं रेडी हो गया हूँ और अभी सबसे पहले मैं करता हूँ लंच, और लंच करने के बाद मुझे जाना है अपने एक फ्रेंड से मिलने, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ मेरी एक मीटिंग है बहुत जरूरी, एक वीडियो से रिलेटेड है जो कि फ्यूचर में आप लोग देख लोगे उस वीडियो को। तो चलो अभी सबसे पहले लंच करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने फ्रेंड से मिलने और डिस्कस करते हैं कि हम कौन सी वीडियो बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं। ठीक है चलो सबसे पहले लंच कर लेते हैं। चलो भाई लंच तो हो गया, फिलहाल अभी चलते हैं अपने फ्रेंड से मिल के आते हैं। ठीक है तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हमें मिलना है अपने फ्रेंड से, मैं तो आ गया हूँ, बस अभी वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का, वो आने वाला होगा तब उससे मिलाता हूँ मैं आपको। आइए जी आइए, कैसे हैं? बढ़िया, क्या हाल है? आप बताइए। बढ़िया हूँ एकदम बढ़िया। आओ बैठते हैं। तो चलो यार हम लोगों ने अपने दोस्त से मिल लिया है और शायद मैंने आपको नहीं मिलाया, ठीक है अब मैं मिला देता हूँ। ये है अपने कमल भाई, तो भाई से मिलकर मुझे कुछ मतलब डिस्कस करना था, एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ मैं, तो मैंने सोचा यार अकेले प्लान करूँगा तो अच्छी तो बनेगी लेकिन अगर कोई साथ में होगा तो और ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो अभी भाई से बात करिए तो देखो अगर प्लान सब लोग मतलब सब कुछ ठीक रहता है तो वीडियो आएगी बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। ठीक है मतलब हमारे एक और हमारे दोस्त हैं बिमलेश भाई, उन्हें मतलब बिमलेश नाम से तो कम फेमस है, बाबा बीजे नाम से ज़्यादा फेमस है, तो उनके पास जा रहे हैं हम, उनका एक एनजीओ है और जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो चलते हैं सबसे बच्चों से मिलते हैं, बाबा जी से मिलते हैं। ठीक है चलिए फिर। यार जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक बर्थडे में जा रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो सोचा है खाली हाथ जाएंगे मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से केक ले लिया है, केक लेके चलते हैं सबको सरप्राइज देते हैं। यार पहुंच गए हम लोग अपने फ्रेंड के एनजीओ में और चल के देखते हैं अभी क्या अंदर एक्टिविटी क्या क्या हो रही है चल के। हाँ जी कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए हमने फूल मंगाए थे। अच्छा, फूल अच्छा। अंदर रखे हुए हैं। अरे और आपके लिए एक सरप्राइज भी है हमारी तरफ। सही में बहुत बिगेस्ट सरप्राइज है। चलो फिर आपके एक बहुत अच्छे फैन के द्वारा। अरे वाह चलिए चल के देखते हैं फिर। चलो भाई देखते हैं चल के कि आखिर हमारे लिए क्या सरप्राइज आया है। ठीक है ये पता है बाबा जी, हाँ। ये मेरे से कंप्लेन भी कर रहा था कि यार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया आप लोगों ने। यार बिगेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करा था यार। देख भाई कितनी खुशनसीबी वाली बात है, इतने सारे बच्चों के साथ सेलिब्रेशन हो रहा है। 200 प्लस बच्चे, 200 प्लस बच्चों के साथ रोना यार। ये
अरे देखिए अलग भाई। अच्छा ठीक है, पूछते हैं किसी से, आप बताओ, खड़े हो जाओ, कौन है? बॉबी उस्ताद। क्या करते हैं ये? यूट्यूबर है, जो ये बच्चे जो बहुत पिछड़े वर्ग जिसको अंडरप्रिविलेज कहा जाता है, ऑर्फन बच्चे, ऐसे बच्चों को अपना एजुकेशन देने काम करते हैं। हमारी टीम है, हमारे साथ मैम है, नीलम मैम है, राकेश सर है, राकेश जी को आप जानते ही हैं, इनके साथ साथ तीन चार टीचर और जो इन बच्चों को फ्री में ट्यूशन देने का काम करते हैं। हमारे एनजीओ की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, तारावाल संस्था, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खटीमा का नाम रोशन कर रहे हैं, और कहीं भी जाते हैं तो खटीमा को करते हैं कि भाई ये खटीमा रहते हैं, तो इनसे खटीमा जुड़ा हुआ है, तो इनको एक छोटा सा उपहार। हमारे बीच में जो है, आ जाओ शरद, पीछे नहीं देखते हैं, मैं बच्चों को बता दूं कि पीछे मुड़के नहीं देखते हैं, ये बैड हैबिट होती है, ठीक है? तो आइए शरद जी, अब पहचान जाओ कौन है, चलो निकालो। तो बॉबी जी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, बड़ा तो नहीं छोटा है, लेकिन हमारे एनजीओ की तरफ से बड़ा सरप्राइज है, दिखा दो बच्चों को भी। कैसा बना है बच्चों? शकल मिल गई है भैया की इससे? तो जोरदार तालियां गा दो भाई जी। तो ये है शरद भैया, और ये 9 में पढ़ते हैं, और इनके स्केच आप देख लो, इन्होंने मेरा स्केच भी बनाया है, अंदर टंगा हुआ है, एक ही उतार के अलावा जिन्हें पीछे। तो ये देखिए, मैं आपको एक बार बॉबी जी का केक दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरत है, देखिए कैसा है बच्चों। अब यार आप लोगों ने देखा होगा, हमने केक कट कर लिया, अंदर सारा सेलिब्रेशन हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों के लिए बाहर खाना भी बन रहा है, जिस एनजीओ में हम लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पर बच्चों के लिए खाना भी रेडी हो रहा है, तो यहाँ सब लोग मेहनत करने में लगे पड़े हैं एकदम। यहाँ बन रही है पूरियां, यहाँ पे बाबा जी ने जो है दंगल का वो बना रखा है अखाड़ा, अभी एलेक्स के साथ थोड़ा दंगल होने वाला है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको हार्ड कपड़े गंदे, हाँ कपड़े गंदे नहीं करूंगा, हाँ चलो करें भाई, स्टार्ट स्टार्ट है, चलो हल्के से फेंक रहा है। चलो अभी रहने दो, अभी किस दिन अच्छे से आएंगे ना, स्मार्ट हीरो लग रहे हैं, जिस दिन इसकी प्रिपरेशन से आएंगे उस दिन करेंगे, उस दिन करेंगे। चलिए को अपने आगे मलाइका से मिलवा रहे हैं, ये खूबसूरत सी लड़की, ये मलाइका दे दो भाई, और ये मलाइका की माँ। अच्छा भाई यहाँ पर एलेक्स लगा हुआ है मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, देखो अभी हम लोगों ने सारे बच्चों को तो खाना खिला दिया है, और अब बारी है हमारे खाना खाने की। चलिए बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आज बच्चों के साथ मिलके, आपसे मिलके, ठीक है फिर जरूर आएंगे अगले महीने, आप हमारे यहाँ आए हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच बॉबी भाई, और अपने सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और शरद का खाना खा रहा है, शरद खाना, और भाई ने देखो कितनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है, मुझे गिफ्ट मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, आपकी प्रतिक्रिया है? गजब, मतलब ये तो मैंने उसमें देखा था हॉलीवुड की फिल्म में। अच्छा इसका लॉजिक आपको बताया उसने, ये क्यों रो रहा है? अभी तो नहीं, नहीं बताया, चलो पूछेंगे उसी से पूछना, ठीक है चलो फिर मिलते हैं। एक फोटो दो तो लो कम से कम यार। अरे मेरे लिए चॉकलेट, ये किस खुशी में यार? अरे ये तो लड़कियों को दी जाती है यार, मेरे लिए, चलो थैंक यू सो मच यार। कहाँ रहते हो आप लोग? यही। अच्छा चलो ठीक है ठीक है।